श्री राम लीला समिति आर्यनगर के तत्वधान में मंगलवार को कलाकारों ने श्री राम का मिलन, जनक आगमन, राम भरत संवाद, भरत जी का चरण पादुका लेकर वापस लौटना, पंचवटी प्रवेश व विश्राम का मंचन किया। लीला मंचन का प्रारंभ समिति के पदाधिकारियों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की आरती के साथ शुरू हुआ। रामलीला के मंचन में सुमंत जी, कोल भील, निषाद राज व केवट के सहयोग से भरत को गंगा पार करवा कर चित्रकूट पहुंचवा देते हैं, जहाँ श्री राम जी जानकी जी के साथ विराजमान है। उनके साथ गुरु वशिष्ठ जी व अयोध्या की प्रजा भी रहती है। गुरु वशिष्ठ जी द्वारा महाराज दशरथ के देवलोक गमन का समाचार श्री रघुनाथ जी को बताते हैं। भगवान के नेत्र से अश्रुधारा निकल पड़ती है। गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में महाराज दशरथ जी का पिंडदान श्री राम जी द्वारा संपन्न किया जाता है। तब श्री राम जी ने भरत जी को चरण पादुका प्रदान की। तत्पश्चात भरत जी श्री राम जी की पादुका को अपने शीश पर रखकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या पहुंचकर चरण पादुका का पूजन कर सिंहासन पर रखकर श्री राम जी के वापस आने तक इसी तरह 14 वर्षों तक अयोध्या का राज चलाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विकास जलान ने कहा, लीला का अवलोकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अवशेष रह गए और आप नहीं आए, या फिर आपका कोई यदि मुझे सूचना नहीं मिला आपका, तो आप अपने घर के प्राण की राम भक्त के कलारे राम की जय। राम भक्त के कलारे राम की जय। खड़ा
हम युक्त मानव की तरह अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, क्या ये वही बाल ब्रह्म है या फिर ये मिथ्या है? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे परीक्षा लेकर देखना चाहिए और कौए का भेष बनाकर इनके अर्धांगिनी विचरण में चुंच प्रहार करना चाहिए, फिर इनकी प्रभुता का मैं देखूंगा। रामलीला समिति आर्य नगर के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन किया गया है, जो 16 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। यह 26 अक्टूबर तक अनवरत चलेगा। इसमें मुख्य रूप से 25 अक्टूबर विजयादशमी के दिन पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहां पधारेंगे और भगवान श्री राम का तिलक करेंगे।